हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ इंस्टेंट जुकीनी हांडवा कैसे बनता है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एक जुकीनी। जुकीनी को हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। जुकीनी को ग्रेट करने में बहुत टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से ग्रेट हो जाती है। जुकीनी ग्रेट करने के लिए हो सके तो बारीक वाला ग्रेटर यूज़ करना। जुकीनी ग्रेट होके रेडी हो गई है। अब हम एक खलदस्ते में गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली लेकर उसको क्रश कर लेंगे। हो सके इतना बारीक क्रश कर लेंगे। ये क्रश होके रेडी हो गया है। क्रश करने के बाद लगभग ये 1.5 टेबलस्पून जितना हो गया है। अब हम उसको क्रश जुकीनी में ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1/2 कप योगर्ट ऐड कर लेंगे। उसके बाद सॉल्ट अकॉर्डिंगली टेस्ट ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून जितना गुड़ ऐड किया है। आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हो ज़्यादा गुड़ ले सकते हो, और कम खाना पसंद करते हो तो कम गुड़ ले सकते हो। हम अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इससे आपको हमारी नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। हमारा ये मिक्स हो गया है। अब हम उसमें 1 कप जितना सेमोलिना ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने फाइन वाला सूजी लिया है। अब हम उसमें 1 मोर कप सेमोलिना ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, 2 पार्ट में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से हमारा बैटर लंप फ्री होगा और मिक्स करने में आसानी रहेगी। अब हम वाटर ऐड करेंगे और थोड़ा सा स्मूथ बैटर बना लेंगे। ये इंस्टेंट हांडवा है, इसके लिए हमें थिक सेमोलिना का बैटर चाहिए। ये बैटर पतला नहीं होना चाहिए। पतला बैटर हो जाएगा तो आपका हांडवा अच्छा नहीं बनेगा। हम यहाँ पे वाटर भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम एक तड़का प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। ऑयल गरम हो जाने के बाद हम उसमें 1 टीस्पून जितनी राई ऐड कर लेंगे। राई को चटकने देंगे। राई चटकने के बाद हम उसमें 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड कर लेंगे। अब हम उसमें 1 टेबलस्पून जितना सिसमी सीड ऐड कर लेंगे। अब हम उसमें 2 टेबलस्पून जितना क्रस्ट पीनट ऐड कर लेंगे। मैंने पीनट को खलदस्ते में क्रश करके लिया हुआ है। मैंने दरदरा क्रश किया है। अब हम उसमें करी लीव्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 10 करी लीव्स ब्रेक करके ऐड कर लिए हैं। करी लीव्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम गैस ऑफ कर लेंगे और अभी हमारा तेल जो है वो गर्म ही है। उसमें हम 1 टीस्पून जितना चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे,
उसके बाद हम उसमें 2 टीस्पून जितना कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अब ये प्रिपेयर हुए तड़के को हम हांडवा के बैटर में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा ये हांडवा फ्लेवरफुल बनके रेडी होगा। ये तड़का लगाने से बैटर बहुत ही अच्छा टेस्टी बन जाता है। सभी मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। ये बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स हो जाने के बाद ये बैटर को आप टेस्ट कर सकते हो और इसी स्टेज पे आप मसाला एडजस्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून जितना इनो ऐड किया है। थोड़ा वाटर उसके ऊपर डाल देंगे सो हमारा इनो एक्टिवेट हो जाएगा और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। हमें ये बैटर थिक ही चाहिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और हमारी बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। हमें इसी तरह का थिक बैटर चाहिए। हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। अब हम हांडवा बनाना शुरू करेंगे। एक पैन में 1 टीस्पून जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। उसके बाद हम उसमें बैटर ऐड कर देंगे। जितनी छोटी साइज का हांडवा होगा इतना आपको पलटाने में आसानी रहेगी। अब हम उसके ऊपर तिल ऐड कर लेंगे। तिल आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऐड करोगे उसका क्रंची टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लिड से कवर करके हम उसे कुक होने देंगे। थोड़ी देर के बाद हम देख सकते हैं हमारा हांडवा एक साइड से कुक हो गया है, उसके एजेस से कलर भी चेंज हो गया है। इसी स्टेज पे हम उसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पे कुक होने देंगे और 1 टीस्पून जितना तेल ऐड कर लेंगे। लीड से कवर कर देंगे और कुक होने देंगे। फ्रेंड, ये हांडवा झटपट बन जाता है और ब्रेकफास्ट में बहुत ही क्विक बना सकते हो आप। हेल्दी भी इतना है और कम ऑयल में बन जाता है। हमारा हांडवा ऐसा ही दोनों तरफ से ब्राउन कलर का हो गया है और रेडी टू सर्व है। इसी तरह हम दूसरा हांडवा भी प्रिपेयर कर लेंगे। लीड को कवर करके एक साइड कुक होने देंगे। इसी तरह एजेस कुक हो जाने के बाद हम उसको फ्लिप कर देंगे और दूसरी तरह से हम उसे कुक करेंगे। लीड से कवर कर देंगे, अगेन मीडियम फ्लेम पे ही कुक करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये इंस्टेंट जुकीनी हांडवा की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।